ஏற்று தயாராகிறார்கள். क्योंकि वो तुम्हारे धंधे में शामिल है, तुम उसके साथ। इंस्पेक्टर साहब, हम किसी के धंधे में नहीं शामिल हैं। हमको हर जीव, हर जन, हर प्रेम है। तो उसे एक बार ध्यान में रखना, निहत्थे पर कभी वार नहीं करना चाहिए, भागे हुए का कभी पीछा नहीं करना चाहिए, कचरे में कभी किसी को जगाना नहीं चाहिए। महात्मा जी, हमारा कानून, हमारा फर्ज निहत्था और हत्या नहीं देता है, सिर्फ अपने मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए सुनता है। लेकिन महात्मा जी, आज से मैं दो प्रश्न करूंगा। कौन सा प्रश्न? और दो प्रश्न के सही उत्तर मिल गए तो आपकी पूजा करूंगा, नहीं तो काका से जैसा तुम्हारा हाल करूंगा। कहानी आज के 20 वर्ष पुरानी है और उस समय काकू कदराज सिंह का आतंक फैला हुआ था और कदराज सिंह के एक साथी भवानी सिंह को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डाल दिया। उसके बाद ड्यूटी पर मेरा दिल नहीं लगा और अपने घर आया और अपने बीबी बच्चों से मुलाकात किया और बीबी बच्चों से मुलाकात करने के बाद मैं ड्यूटी पर वापस चला गया। उसके बाद जब वापस आया तो कदराज सिंह का बेटा डाकू उसने मेरी बीबी को खत्म कर दिया। उसकी गोदी में मेरा बड़ा बच्चा था, उस बच्चे को अपने साथ उठा ले गया। बोले संसार में लड़का जिंदा है या खत्म हो गया? इंस्पेक्टर साहब, अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर जरूर होगा। अगर आपका बेटा इस संसार में जिंदा हो तो मिलेगा, अगर जिंदा नहीं है तो नहीं मिलेगा। हे माँ भगवती, अगर इस पत्थर का बेटा इस संसार में जिंदा है। राज, मेरे पत्र से मेरी मुलाकात करा दो, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी हमेशा सेवा करूंगा। उस लड़की को पहले यहाँ पर लेकर आइए। हवलदार से उसकी मस्तक रेखा बता रही है कि उसका पति संसार में जिंदा है, तब से मिलेगा, क्योंकि मर्दों की हस्त रेखा बतलाती उसके भाग्य का विकास और क्योंकि हमेशा मस्तक रेखा बतला देती है उसके देश का प्रकरण। हवलदार, यस सर, मेरे बेटे पुलम को लाओ। यस सर। इस लड़की की मस्तक रेखा ये बता रही है कि जब तक ये हमारे गले से नहीं लगेगी तब तक इसका पति से मिले। जिससे अपने बेटी बनाकर अपने घर पर रखा उसे तुम गले लगाने के बाद
इस छोटे साहब मैं कर ही कह सकता हूँ, इसकी मस्तक रेखा बतला रही है जिसमें कोई सद विच्छेद नहीं कर सकता है। मैं खुद अपने बेटे पूनम से बात करूंगा। बेटे पूनम नहीं चाची, कहते हैं अपने पति के लिए महात्मा को अपने गले से लगा सकती है। बस इतनी सी बात है जी? अगर जी मेरे पति मुझे मिल सकते हैं तो करे क्या बात, अगर जी बाबा मेरी चाहत मांगेंगे ना तो मैं अपने पति के लिए न्योछावर कर दूंगी। धन है तुझे बेटी, और धन है हमारे भारत देश की माताओं बहन बेटियों पर। हमारी भारत देश की माताओं बहन बेटी अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए अपनी बड़ी चढ़ा देती। जाओ तुम भी आज अपने सुहाग के लिए इस महात्मा को गले से लगा। जाओ बेटी जाओ। बाबा जी तुम्हारे गले से मिलने से क्या मेरे पति मुझे मिल सकते हैं? तुम्हारी मस्तक रेखा बतला रही है अवश्य मिलेंगे। तो ठीक है बाबा, मैं अवश्य मिलूंगी। बाबा मैं तो तुम्हारी गले से लग गई लेकिन मेरे पति कहीं नजर नहीं आते। बता दो बाबा, आप जो बच्चे थे मेरे गले से लगी और तुम्हारे पति अवश्य मिलेंगे। अच्छा नहीं आ रहे आप बुलाए मेरे पति आ मेरे स्वामी स्वामी आप लोगों ने सुपादर के बारे में क्या सोचा? और कोई यहाँ पर बुलाया जाए हवलदार, खुद से बातें करूंगा। हवलदार बहादुर सिंह को लेके आओ। आज जो सेठानी साया इनके ऊपर है, सबसे पहले मैं इसे ठीक करूंगा। तब मैं इसे ठीक कौन भैया कौन मेरी गलती मुझे माफ कर दो। अरे भैया ऐसी बात मत करिए, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र ये गवाही नहीं दे सकता है कि बड़ा भाई कितना भी अत्याचारी हो जाए, बड़े भाई का सर अगर छोटे भाई के सामने छूट गया तो सबसे बड़ा पापी छोटा भाई हो जाएगा। बड़े भैया जो तुमने कर्म किया है वो तुम खुद तुम्हें सजा मिल चुकी है। आप तो एक बात हमेशा कहते थे कि आप अपने पूर्ण को घर से निकाल दीजिए। आप कहिए मैं इसी वक्त पूनम को घर नहीं। भैया पूर्ण अपने पूनम को अपने दिल से जुदा नहीं करना। भैया जुदा नहीं करना। क्यों नहीं जुदा करेंगे? कोई बात नहीं, तुम तो मेरे अपने दिल की रानी मुझे बनाना चाहते हो। अरे मुझे माफ, अरे बड़ा की देरी कर रहे हो। अरे मैं बाबा बड़े भैया से मुलाकात कीजिए। भैया इसमें आपके छोटे से प्रबहन और हाथ जोड़ कर आपसे मैं माफी मांगता हूँ। भैया गलती तो इंसान से होती है, तुम ऊपर वाले को प्रार्थना करो जरूर तुम्हें माफ कर देगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया बड़े भाई, तुम तो बात मेरे दिल में उतनी ही जगह ध्यान है। मेरे भैया तुम जैसे बहन को पर जय कर है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घर में सबसे बड़ा होता है सबसे पहला अधिकार उसका होता है। अपने हाथों से इसी जगह पर बहन किरण और कमल को एक पवन पवित्र सूत्र में बांध दीजिए। आपकी जैसे क्या हो भैया फोन